इस तरीके से जिनके भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए, जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ इन सेंट्रल एजेंसियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हमारे संपर्क, ठीक है, राजेश चौधरी, यानी कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी ये करा रही है, आप पे ये आरोप लग रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे को सुना आपने कि जिसके लिए आप आवाज उठाते हैं, बकायदा नाम लेते हैं और उन घोटालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद वही आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। देखिए, घोटालों का और समाजवादी पार्टी का तो पुराना नाता है, संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अरे आप बताइए ना, जिन भ्रष्टाचारियों पर आपने आरोप लगाया, आपके नेता उन सबको अपने साथ खड़ा कर लिए, वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार मुक्त करने का आपके पास। बुजुर्ग आदमी सुनिए ना जवाब। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन है भ्रष्टाचार मुक्त करने का। आप मेरी आवाज को इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। आप जो है जनता की आवाज को दबा सकते हैं, आप अन्याय और अत्याचार की सरकार चला सकते हैं, पर टीवी में बैठकर के राजेश चौधरी की आवाज को आप नहीं दबा सकते, मुझे बोलने दिया जाए। और आप, मैं समझता हूं आपके पास कोई नीति नहीं है। कल तक तो आप जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, मैनपुरी के अंदर बड़ा मंच लगाया गया, पूरा यादव परिवार मायावती जी के पैर छू रहा था। आज कहते हो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में, अरे वो बी टीम है कि ए टीम है, आप तय करो ना। आप तो साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, घोषित करिए कि आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ये सब जो आप झूठ का पूरा महल खड़ा करने का काम करते हो, उसको जनता नहीं स्वीकार करती, हकीकत जानती है। जनता योगी जी के चेहरे पे भरोसा करती है, जनता मोदी जी के चेहरे पे भरोसा करती है, लगातार हम विजयी होते आ रहे हैं। ठीक है सुभाष यादव, ठीक है, सुभाषपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, कमेंट में बाकी सबसे ले लूं फिर उस आपका रुख करूंगी मैं। सुभाष यादव, सुना हमने ओपी राजभर ने चैलेंज किया है समाजवादी पार्टी को कि आप आइए लड़ लीजिए पूर्वांचल में, लड़के दिखा लीजिए, अगर आप दम भरते हैं जीत का तो आप अकेले लड़के दिखा लीजिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ओम प्रकाश राजभर का? प्रिया जी, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पूर्वांचल के लोग हमेशा से मजबूत रहे, किसी से डरने वाले नहीं है। जो उन्होंने चुनौती दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, बिल्कुल सही चुनौती दी। 2022 का विधानसभा चुनाव शिवपाल सिंह यादव जी किसके सेंबर से लड़े थे, जबकि उनकी पार्टी कौन सी थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसका अब जाके विलय हुआ था। सेंबर किसका था, समाजवादी पार्टी का। अगर वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की चिन्ह से लड़ लेते तो मैं समझता हूं कि जसवंत नगर से वो विधायक नहीं बन पाते, समाजवादी पार्टी वहां से जीत जाती। तो शिवपाल सिंह यादव जी की हैसियत सबको पता है, इसलिए चुनौती दी जा रही है पूर्वांचल के अंदर आके चुनाव लड़के दिखा दे, उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी। ये मेरे काबिल दोस्त वजूद की बात कर रहे हैं, हमारा वजूद है और हमारे वजूद से ही 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी 111 पे पहुंची थी, 17 के अंदर ये 47-49 पे थे। इनको अपना वजूद याद नहीं है, इनको अपनी हैसियत याद नहीं है। असल में क्या, समाजवादी पार्टी अपनी हैसियत भूल जाती है, अपना वजूद भूल जाती है। इन्होंने जाटों से गठबंधन किया था पूर्व पश्चिम के अंदर, जयंत चौधरी की पार्टी से, कि भैया जाटों का वोट हमारे को मिल जाएगा, लेकिन वहां जाटों ने नकार दिया। ये मध्य के अंदर आ गए, जनवादी पार्टी के संजय चौहान से गठबंधन कर लिया, मानदल के केशवदेव मौर्य से गठबंधन कर लिया, मध्य में इनको नकार दिया जनता ने। पूर्वांचल के अंदर समाजवादी पार्टी की जो लाज बची थी वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से बची थी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से बची थी। ये अपना वजूद ही नहीं याद नहीं है, ये दूसरों का वजूद आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बी टीम, ए टीम, सी टीम, अरे भैया शिवपाल सिंह यादव खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर बी टीम नहीं होते, सुन लो भैया 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 आप बौखलाए हुए हैं, अभी से हर की बौखलाहट आपके चेहरे पर नजर आ रही है। जिस कार्यालय के अंदर शिवपाल सिंह यादव जी बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला था, वो बेटी में उस समय आपको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी शिवपाल सिंह यादव जी की, वो भारतीय जनता पार्टी की बेटी में। शिवपाल सिंह यादव जी खुद बेटी में 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने सपा से गठबंधन करने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन इनकी दाल नहीं गली थी, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक भी गए थे, वो अलग चीज है, गठबंधन में नहीं गए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी खुद भारतीय जनता पार्टी के हाथ मिले हुए थे। आपका वजूद कुछ नहीं है, मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने देखिए, अखिलेश यादव जी आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं,
वो आज भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से उतरना ही नहीं चाहते और समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों का विकास करना चाहती है, वो भी उन यादवों का जो सैफई से बिलोंग करते हो, जो बदायूं से बिलोंग करते हो, जो इटावा से बिलोंग करते हो, जो मैनपुरी से बिलोंग करते हो। अरे समाजवादी कुनबा सिर्फ अपने लोगों की भलाई करेगा, इसलिए वजूद और हैसियत की बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट के अंदर बैठ के ना करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया 24 करोड़ जनता के अंदर, पूर्वांचल के अंदर किस प्रकार हमने आपकी लाज रखी थी। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपनी औकात मत भूलिए, अपनी हैसियत मत भूलिए। और ये चैलेंज है, मेरे नेता ने चैलेंज दिया, मैं भी आपको चैलेंज दे रहा हूं कि बोलिए शिवपाल सिंह यादव जी को चुनाव लड़के दिखा दे पूर्वांचल के अंदर, तब उनको इनकी हैसियत का पता लग जाएगा। आप लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। मुंगड़ीलाल के असीम सपने देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर अपनी राजनीतिक हैसियत और अपनी राजनीतिक औकात को भी देखिए। जिस विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस को अहमियत देना चाहते हो, खुद दूसरों के सहारे एमएलए बनते हो, दूसरी बड़ी पार्टियों से अलायंस करके गठबंधन में एमएलए बन रहे हो, वो दूसरों को क्या बताएंगे, क्या हैसियत बताएंगे आप? देखिए यही तो दुर्भाग्य है, क्या बताएंगे आप? समाजवादी क्या बताएंगे आप दूसरों की हैसियत? एक घमंड के अंदर डूबी हुई है। चेयरमैन निकाल लिया अकेले वर्कर के, अपनी औकात पता नहीं, कितने कॉर्पोरेटर बना लिया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो तलाश लो, कितने में वजूद तलाश लो, एनालिसिस कर लो, एनालिसिस कर लो, पश्चिम से शुरुआत करते हो। एक सेकंड, आपकी हस्ती पता चल जाएगी, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी, आप क्या थे, बड़े जल्दी भूल जाते हो आपके पास सर, बहुत जल्दी। एक सेकंड सुभाष यादव, हैसियत की बात समाजवादी पार्टी न करे तो बेहतर है। समाजवादी पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी की बीटी में, वो चुनाव आने से पहले ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है, ये पता चल जाएगा। लेकिन सच्चाई एक ये है कि पूर्वांचल को साधना सुभाषपा को साइड करके आप नहीं चल सकते हैं। वो ताजा हमने देख लिया जो हाल में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है, बीजेपी को भी वहां पर डेंट लगा, बीजेपी से नाराज चल रहे थे ओपी राजभर, ये हमने देखा, बीजेपी को भी वहां पर डेंट लगा है और उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। जयप्रकाश जी, जिस विपक्षी एकता की अगुवाई आप कर रहे हैं, जहां बार बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे विपक्ष एक हैं, वहां विश्वास ही नहीं है। जिस विचारधारा को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं वहां विश्वास ही नहीं है। ये है विपक्षी एकता जो हम देख रहे हैं, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम ए टीम विश्वास ही नहीं है, ऐसे कैसे आप एक साथ हो जाएंगे और किसकी अगुवाई कर रहे हैं आप? ये सवाल आपका अच्छा है और हमें लगता है कि अगर यहाँ विश्वास है तो फिर तो भाजपा का जो एनडीए है वहाँ बहुत सीमेंटेड अलायंस है। तो अगर राजनीति की बात करिए तो हर छोटे बड़े दल की महत्वाकांक्षा होती है कि वो राज्य स्तर का नेतृत्व करे या भारत अखिल भारतीय स्तर का नेतृत्व करे, तो इसमें सबको हको हकूक है। इसमें अविश्वास और कहिए कि दूसरे तरह के सवाल का कहाँ प्रश्न। हाँ, ये जरूर है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो साफ हो चुका है कि एक तरफ वो ताकतें होंगी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, गरीबों के आधी आबादी अकलियत पिछड़े दलित के हकों हकूक के लिए लड़ रही, और दूसरी डेमोक्रेसी भी बचाने का एक नहीं। जयप्रकाश जी, विश्वास इसलिए ताकि विश्वास इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, तमाम पार्टियां अगर आपके साथ आ रही हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आ रही हैं। ये क्षेत्रीय दल भी जो आपके साथ आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं हम जहां पर हैं हम अपना कैंडिडेट वहां उतारेंगे, कांग्रेस वहां उस सीट से कॉम्प्रोमाइज करेगी, और कल को अगर ये आप ही के नहीं हुए, आप ही से बगावत कर दिए, तो फिर कांग्रेस तो कहीं की नहीं रहेगी। आप तो एक कम सीट पे भी चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा अगर आप लोग जीत के आते भी हैं तो फिर हमने देखा है जो उदाहरण आप दे रहे हैं, ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है और संकेत उत्तर प्रदेश में मिलने लगे हैं अभी से। हमने तो दिया ही नहीं मैडम, बहुत बहुत बधाई, आपने मेरा काम आधा कर दिया, चूंकि ये है कि कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं और एक चलती हुई सरकार में डिप्टी सीएम बन रहे हैं, वो तो कंप्रोमाइज नहीं है, वो तो नीतिगत आदर्श की आधारशिला रखी जा रही है। चूंकि अगर अजीत पवार जी डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक 4 दिन पहले आदरणीय मोदी जी जाके 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, छगन भुजबल जो बिल पे हैं, तो उनको मंत्री बना के अगर कंप्रोमाइज नहीं करना है तो हम विपक्ष में हैं। अगर सेकुलर आप लोगों की बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है। कल डिबेट में इस सवाल को मैंने बीजेपी से पूछा था, ये बड़ी दिक्कत है, ऐसी मानसिकता को आप सुधार लीजिए।